गंज बसौदा में वार्ड नंबर 8 मनसापुर मंदिर के पास आशा साइमन नर्स के घर युवक चाकू लेकर दिन दहाड़े लूट करने घुसा। जानकारी मिली है कि लुटेरा टिकट नामक पदार्थ के नशे का आदि था। सिटी थाना प्रभारी राजेश सिन्हा ने बताया कि आरोपी महेश और फ्लल्ला रघुवंशी नेहरू चौक निवासी नर्स के घर घुसकर चाबी मांगने लगा, जिसका विरोध करने पर चाकू से हमला किया, जिससे नर्स के दोनों हाथों में चोट आई है। महिला के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों का इकट्ठा होने से आरोपी भाग नहीं सका, जिसको पकड़कर थाने में लाकर लूट की धाराओं में आरोपी बनाया गया। धारा 353, 506, 323, 254 के तहत कार्रवाई की। हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आशा साइमन जो हॉस्पिटल में नर्स वगैरह है, आज 4 बजे करीब अपने घर पे थी, ड्यूटी के बाद अपने घर पे थी, अकेली रहती है यहाँ। तो घर पे करीब 4:15 बजे की घटना है, इनके यहाँ एक व्यक्ति अंदर घुसा और इनसे बोलने लगा कि चाबी दो, मतलब वो लूट का उद्देश्य था उसका सीधा सीधा, उसके हाथ में चाकू भी था, ये डर गई थी। तो इन्होंने फिर हिम्मत करके उसको वो चाबी ढूंढने लगा अंदर घुस के, तो इन्होंने हिम्मत करके उसको पकड़ा और चिल्ला चोट मचा दी। तो आसपास के लोग भी आ गए, कुछ ले जा नहीं पाया, उसको पकड़ लिया गया और उनको हाथों में छीना झपटी में उनको हाथों में चोट भी लगी है चाकू वगैरह की। तो उनके तरफ से FIR दर्ज की गई है, धारा 393, 506, 294, 323 और उसके पास जो आरोपी है उसका नाम है महेश और लल्ला रघुवंशी, उसको पकड़ लिया गया है, इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है।